नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। दो बज चुके हैं यानी न्यूज 100 का वक्त हो गया है। फटाफट से शुरू करते हैं 100 बड़ी खबरें आपके सामने। जी न्यूज के शो डीएनए में एक बड़ा खुलासा हुआ। यूपीए 1 के दौरान पाकिस्तानी मूल के खावर कुरैशी को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत का वकील नियुक्त किया गया था। 2004 में एनरॉन कंपनी ने भारत सरकार पर केस किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में खावर कुरैशी भारत के वकील थे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुरैशी नहीं जीत सके थे भारत के लिए केस। 2005 में कोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ फैसला दिया। आईसीए में नए वकीलों की नियुक्ति को लेकर यूपीए सरकार ने वजह नहीं बताई थी। दाभोल जैसे संवेदनशील मसले को लेकर अमेरिका कर रहा था प्रोजेक्ट की पैरवी। कुरैशी मामले पर बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कहा अक्सर दूसरे देशों की सेवाएं ली जाती है, सरकार जानबूझकर इसे हवा दे रही है। अलगाववादियों को हवाला फंडिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के बल्ली मारान और चांदनी चौक से भेजे जाते हैं पैसे, एनआईए के हवाले से खबर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका के रास्ते पैसा भारत भिजवाता है और दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के रास्ते फंडिंग अलगाववादियों को मिलती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चार बड़े नेताओं से जल्द पूछताछ कर सकती है एनआईए, एफआईआर दर्ज हो गई है। ईडी ने शब्बीर शाह को समन किया। हवाला फंडिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा अलगाववादियों को पाकिस्तान बढ़ावा देता है, पहली बार किसी सरकार ने कार्रवाई का फैसला किया। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर कांग्रेस की बैठक, कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। पत्थरबाजों से निपटने के लिए जम्मू के सीआरपीएफ के जवानों की स्पेशल ट्रेनिंग हुई। हालात काबू करने के लिए नए तरीके सिखाए गए। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आईबी के डायरेक्टर राजीव जैन, सुकमा में सीआरपीएफ और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। मथुरा में सर्राफा व्यापारियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी रंगा समेत 5 गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ में कुछ बदमाश घायल भी हुए। मुठभेड़ में 7 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। लूट का सामान बरामद हो गया है। पुलिस कर सकती है बड़ा खुलासा। अलीगढ़ में धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव है। पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, राज्य में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बांदा के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिला अस्पताल का दौरा किया, मरीजों का हालचाल पूछा। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चित्रकूट धाम मंडल के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। चंडीगढ़ में अमित शाह का एयरपोर्ट से पार्टी ऑफिस तक का रोड शो। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ओडिशा में भी बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भंजनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैली निकाली। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ में फंसे सभी तीर्थयात्री सुरक्षित है। एसएमएस से सभी को हालात की जानकारी दी जा रही है। उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे के कुछ हिस्से को नुकसान भी पहुंचने की खबर है। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर 1070 और 1077 पर जानकारी हासिल आप कर सकते हैं। हिमालयन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। गंगटोक में होगी ये अहम बैठक। चीन के सिल्क रूट पर भारत के एतराज के बाद अहम बैठक। राजनाथ सिंह ने सिक्किम में नाथुला का दौरा भी किया। ईवीएम और वीवीपैट मशीन पर चुनाव आयोग ने दिए डेमो। 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा आयोग। चुनाव आयोग पर आम आदमी पार्टी के गंभीर आरोप है। संजय सिंह ने कहा, केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है आयोग। आरजेडी नेता मनोज झा पर किए मानहानि मामले में सुशील मोदी ने गवाही दी है, कहा मेरी छवि को नुकसान हुआ है। नारद स्टिंग केस में चैनल के मुखिया मैथ्यू सैमुअल को ईडी ने फिर समन भेजा है। 24 मई को कोच्चि ऑफिस में हाजिर होने के लिए कहा गया है। लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश हुए रामविलास, वेदांति, गणपत राय, बैकुंठ शर्मा, नृत्य गोपाल दास, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेशी हुई। बिहार के आरा से दिल्ली आ रही बारात का रेल मंत्री को मदद। ट्वीट के बाद लेट चल रही ट्रेन वक्त पर दिल्ली पहुंची, हर जगह पहले पास दिया गया। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हड़ताल के चलते गंदगी के ढेर लगने अब शुरू हो गए हैं। सड़कों पर कचरा फैला है। हड़ताल का आज 3रा दिन।
दिल्ली में नाथूराम गोडसे की जयंती के कार्यक्रम में स्वामी ओम की पिटाई, उन्हें कार्यक्रम में बुलाए जाने से लोग नाराज थे। आईआईएमसी में हो रहे पत्रकारिता पर कार्यक्रम का विरोध हुआ, छात्र यज्ञ कराए जाने से नाराज थे, कार्यक्रम को धार्मिक रंग देने का आरोप। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर जनरल स्टोर मालिक से कैश और ज्वेलरी की लूट, सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड। कामयाब रहा देश का पहला यूट्रस ट्रांसप्लांट, पुणे के डॉक्टर्स ने मां के गर्भाशय को बेटी के शरीर में ट्रांसप्लांट किया। यूपी के बांदा में बिजली के खंभे से टकराने के बाद हाई टेंशन तार बस पर गिर गया, चार की मौत, 20 यात्री झुलसे। यूपी के फरुखाबाद में खेत से मिला 5 साल के बच्चे का शव, कल घर के बाहर खेलते वक्त अचानक गायब हो गया था, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के बागपत में स्कूली बच्चों से कराई जा रही है मजदूरी, बच्चे रेत की बोरियां उठाते दिखे हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के सहारनपुर के 180 दलित परिवार ने अपनाया बौद्ध धर्म, जातिगत हिंसा और भेदभाव से परेशान होकर हिंदू धर्म छोड़ा। मुजफ्फरनगर में तीर्थ स्थान शुक्रताल से जोड़ी जाएगी गंगा की धारा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इलाके का दौरा किया। बिजनौर में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, खुद को भी गोली मारी, प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था। झांसी में कई सरकारी स्कूल में बिजली और पंखों की व्यवस्था नहीं है, गर्मी में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर है बच्चे। यूपी के फिरोजाबाद में कारोबारी संजय मित्तल को पुलिस ने छुड़ाया, अपहरण करने वाले गिरोह का एक बदमाश गिरफ्तार। इलाहाबाद में एमटेक की छात्रा के साथ रेप की खबर है, हॉस्टल के पास दुकानदार पर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप का आरोप है। बिहार में आज से खरीफ माह अभियान की शुरुआत हुई, सीएम नीतीश कुमार ने कृषि रथों को हरी झंडी दिखाई। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर मॉल में भयंकर आग लग गई, काबू पा लिया गया है आग पर, शॉर्ट सर्किट की वजह से सुबह लगी थी आग। बिहार के छपरा में स्कूली छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षकों की लेट लतीफी के विरोध में सड़क पर उतरे हैं स्टूडेंट्स। बिहार के मुजफ्फरपुर में तांत्रिक ने प्रसाद के नाम पर खिलाई बेहोशी की दवा, घर का सामान लूट कर फरार हुआ। बिहार के सुपौल में दहेज के लिए महिला को घर से निकालने के आरोप में ससुराल वालों को जेल, 2001 में दर्ज हुआ था केस। बिहार में गर्मी के चलते अंगूरों को नुकसान हो रहा है, सही दाम नहीं मिलने की वजह से दुकानदारों ने सैकड़ों क्विंटल अंगूर सड़कों पर फेंके। 2019 की तैयारियों में जुटी झारखंड सरकार, सीएम रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं से कहा केंद्र और राज्य की उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। रांची में अपराधियों का आतंक है, घर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की लूट की, एक शख्स को घायल भी किया। झारखंड की लिट्टीपाड़ा में ऑटो पलटने की वजह से एक आदमी की मौत हो गई, 7 बच्चों के साथ 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं, शादी समारोह से लौट रहे थे ये सभी। बिजली पानी और खराब मोबाइल नेटवर्क के विरोध में झारखंड के साहिबगंज में बाजार बंद है, प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम भी लगा। जमशेदपुर में 3 लोगों की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, भीड़ ने जमकर आगजनी की और पथराव किया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। केरल के कोल्लम में साधु पर रेप का आरोप है, 6 साल से यौन शोषण कर रहा था, पीड़िता ने प्राइवेट पार्ट पीड़ित ने काटा। पठानकोट में किसानों को नहीं मिला गन्ने का बकाया, हाथों में रसीद लेकर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं किसान। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सीआरपीएफ के सामने डाले हथियार। औरंगाबाद में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने 5 लाख की नकली करेंसी के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। हरियाणा के रेवाड़ी में सरपंच की गुंडागर्दी, जमीन विवाद में महिला को बेरहमी से पीटा, मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड हुई ये वारदात। अनिल माधव दवे की अस्थियों का होशंगाबाद के बंद्राभान में विसर्जन किया गया, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की 2017 और 18 की तबादला नीति, ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे कर्मचारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रतिबंध के बावजूद विधायक के घर खोदा गया बोरवेल, विधायक बोले मुझे कुछ नहीं पता, अफसर ने कहा गलती मेरी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, घर वालों के मुताबिक नहीं मिल रहा था खाद और बीज के लिए पैसा, पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, टक्कर मारकर वाहन चालक फरार हो गया। राजस्थान की बूंदी में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लाखों के लेन देन का भी पता चला है। राजस्थान के भरतपुर में आरएसएस का ट्रेनिंग कैंप, वॉलंटियर्स को दी जा रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। जयपुर में एक साथ कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी हुई है, व्यापारियों ने पुलिस की निगरानी पर अब सवाल उठाए हैं। जयपुर में मरीज की मौत पर घर वालों का हंगामा, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
भोपाल में मंदिर की मूर्ति से हार चोरी हुआ, हनुमान की प्रतिमा से माला चोरी का पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, केस दर्ज, जांच में जुट गई है पुलिस। ओडिशा के टिटलागढ़ में गर्म सड़क पर एक आदमी ने बनाया ऑमलेट, इलाके में 44 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान। सीरिया में आईएसआईएस को जड़ से खत्म करने के लिए पेंटागन का प्लान है, ट्रंप ने दिया निर्देश, विदेशी फौज के जाने से पहले पूरी तरह किया जाए उसे खत्म। 150 साल बाद बंद हो जाएगा अमेरिका का जाना माना सर्कस रिंगलिंग ब्रदर्स, कल न्यूयॉर्क में आखिरी शो, एनिमल राइट की वजह से बड़ा फैसला लिया गया। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है, हसन रूहानी और कट्टरपंथी उम्मीदवार इब्राहिम रईसी के बीच ये मुकाबला है। दुनिया भर के देशों में हुए साइबर अटैक की सुई नॉर्थ कोरिया की तरफ घूमी है, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर लगाया बदनाम करने का आरोप। चीन में 60 साल बाद खोला गया चियानटाई माउंटेन का झरना, 235 मीटर ऊंचे झरने का पानी रोक कर रखा गया था अब तक। पेरू में पाइप में फंसे 4 मीटर लंबे एनाकोंडा को बचाया गया है, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा। अमेरिका के कोलोराडो में सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ जम गई है, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट का अनुमान है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने महिलाओं को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, परिणीति चोपड़ा के साथ मौजूद वो दिखे, अब तक देश भर में 8 ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा चुके हैं। मुंबई में एक पार्क में योगा एम्बेसडर के तौर पर लगी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की मूर्ति, खुद शिल्पा ने किया मूर्ति का अनावरण। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बिखेरे जलवे, सिंड्रेला जैसा गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर निकली। कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर दिखा दीपिका पादुकोण का शानदार अंदाज, दीपिका ने पहनी हरे रंग की ड्रेस।